नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आज बुलेटिन में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की मरुधरा के महासमर के। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कई जगहों पर नामांकन सभा में शामिल होने का कार्यक्रम है। बात करें किशनगढ़ की, किशनगढ़ में नामांकन रैली में सीएम शामिल होंगे। दोपहर करीब 1 बजे नादवारा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी जनसभा होगी। दोपहर 2:30 बजे के करीब मांडल में जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, आज सुबह 11 बजे कांग्रेस के प्रत्याशी विकास चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे नाथद्वारा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा होने वाली है और रामलाल जाट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे मांडल में। आपको बता दें कि उधर नामांकन सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे मांडल में भी जनसभा को सीएम अशोक गहलोत जो है वो संबोधित करेंगे। तो कई दिग्गज नेता जो कि आज अपने नामांकन भरने जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी कई दिग्गज हैं। अब नाथद्वारा में भी आज मुख्यमंत्री जाएंगे, किशनगढ़ में आज जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और लगातार मुख्यमंत्री का ये जो आखिरी वक्त में चुनाव प्रचार का ये दौरा है, साथ ही जो प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं उनके सपोर्ट में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं, जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो आज जो दिग्गज यहाँ पर नामांकन भरने जा रहे हैं, नाथद्वारा की बात की जाए, डॉक्टर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन दाखिल करने के वक्त भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। किशनगढ़ की बात की जाए तो किशनगढ़ में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्याशी जब वहाँ से नामांकन अपना दाखिल करेंगे, जब पर्चा भरेंगे तब मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर मांडल जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। मांडल में भी कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उनके नामांकन दाखिल करने के समय में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, वहां पर भी जनसभा होगी और अपने पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने ये पूरे 5 साल काम किया है, अपने काम को लेकर मुख्यमंत्री और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। और क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, ये जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिभूषण शर्मा जो है वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शशि, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई जगहों पर जाएंगे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन भरने वाले हैं उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आपसे पूरा आज का सीएम का जो डे प्लान है वो जानना चाहेंगे, कहाँ कहाँ पर मुख्यमंत्री आज जाने वाले हैं और कौन कौन से जो आज कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो नामांकन दाखिल करें। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की नामांकन करने वाला तो संख्या ज्यादा है आज, लेकिन मुख्यमंत्री के 3 कार्यक्रम है मुख्य रूप से। पहला कार्यक्रम किशनगढ़ में है, जहां बीजेपी छोड़कर आए कांग्रेस में शामिल होने वाले विकास चौधरी को टिकट मिला है, उनकी नामांकन रैली है। उनके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से समर्थन दिखाना इसलिए भी एक जरूरत है पार्टी की, कि पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट रहे और विकास चौधरी को अकेला ना छोड़े। दूसरी जो नामांकन रैली होगी वो 1 बजे होगी और नाथद्वारा में होगी, जहां विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नॉमिनेशन फॉर्म आज भरेंगे। एक रैली नाथद्वारा के बाद में मांडल में होगी, जहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट नामांकन दाखिल करेंगे। रामलाल जाट के नॉमिनेशन सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। हालांकि जब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे मांडल, तब तक रामलाल जाट नामांकन दाखिल कर चुके होंगे, उनके नामांकन दाखिल करने के बाद में ये सभा होगी। और इसी तरह मुख्यमंत्री कल देगाना जाएंगे, हालांकि कल कोई नॉमिनेशन नहीं है, रविवार है, लेकिन देगाना में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जोधपुर चले जाएंगे, जहां सोमवार को वे खुद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। आज की अगर बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर में नामांकन दाखिल करेंगे, विजयधर नगर से सीताराम अग्रवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, रफीक खान का नॉमिनेशन होगा, अमीन कागजी नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो संभवतः सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इसी तरीके से पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नॉमिनेशन आज होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।